मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट ना करने और उपेक्षित होने की बात कहकर पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक महेंद्र बागरी ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बुंदेलखंड में बीजेपी के एक और पूर्व विधायक ने पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक महेंद्र बागरी ने सोमवार को भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और माला पहनाकर स्वागत किया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश पांडे जी पन्ना से जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन एक के बाद एक बीजेपी के विकेट गिरते जा रहे हैं और खासतौर पर चंबल ग्वालियर एरिया से और बुंदेलखंड से। क्या लगता है आपको कि जो पूर्व विधायक है उनको टिकट नहीं दिए जाने का एक मसला है या कोई दूसरा भी मसला हो सकता है? राजेश पांडे जी, इन्हें अनदेखी किया गया। इनका ये कहना है कि हमें टिकट नहीं दी गई और हमें 5 वर्ष अनदेखा किया गया, इसलिए हमने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। अकेले नहीं, इन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया और इस चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका है। और ये लोकप्रिय भी हैं, इन्हें कर्मचारी वर्ग पसंद भी करता है। जी, लेकिन एक के बाद एक जिस प्रकार से बीजेपी के जो वर्तमान विधायक कहें, सिटिंग एमएलए कहें या जो पूर्व विधायक कहें, कार्यकर्ता कहें, दिग्गज नेता कहें, सभी एक एक करके बीजेपी को छोड़ते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बुंदेलखंड से बीजेपी कमजोर होती जा रही है या बुंदेलखंड में बीजेपी का जो नेतृत्व है वो कमजोर है? स्थिति कमजोर दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों को ना सुनना, उन्हें नजरअंदाज करना, जो पुराने विधायक हैं उनको तजुब्बो ना देना, इसलिए ये एक जगह नहीं। अभी हाल में ही सतना से भी कुछ विधायक, मान लो जो उनके परिवार पूरा जीवन से विधायक रहा और सब छोड़ते आ रहे हैं, सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बीजेपी की कार्यप्रणाली से ये लोग नाखुश नजर हैं। इसका खामियाजा इस चुनाव में लेकिन हाल ही में शिवराज सरकार ने बुंदेलखंड को एक मंत्री पद भी दिया है, तो क्या इसका कोई खास असर बुंदेलखंड पे नहीं पड़ा? और क्या इस बार के चुनाव में बुंदेलखंड बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा? क्या लगता है आपको राजेश जी? ये तो एक लॉलीपॉप, जैसे जनता यही बोल रही कि लॉलीपॉप है, एक माह के लिए क्या मतलब मंत्री बनाने का, कोई मतलब निकला नहीं। एक माह के लिए दे दिया, एक माह बाद आचार संहिता आ जाएगी, तो इससे तो कोई सेंस निकलता नहीं है। जनता बिल्कुल बदलाव के मूल में, चेंजिंग। जी बिल्कुल, कांग्रेस के साथ आज कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल और बीजेपी के खेमे में आज मायूसी नजर आती। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको बता दें पन्ना से, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक महेंद्र बागरी ने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में उन्होंने भोपाल में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है।